हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड एक खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का जो दोबारा ये मीटिंग होने वाला, जो बैठक होने वाला है, वो 5 तारीख को है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है जो आज के डेट में ही पब्लिश की गई है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए और आपकी फ़ोन की घंटी बज जाया करे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए चलते हैं खबर की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामने मैंने लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, सबसे पहले बैंक्स जहाँ से पैसे कमाते हैं, बैंक्स का जो बिजनेस चलता है वो पूरा का पूरा निर्भर होता है ब्याज पर। अगर हम बैंक्स को ब्याज नहीं देते हैं तो बैंक्स डूबने की कागार पर आ जाती है, क्योंकि बैंक्स का मेन बिजनेस जो है वो ब्याज है। हम जो पैसे जमा करते हैं बैंक में, बैंक उस पैसों को मार्केट में लोन दे देती है और हमें थोड़ा कम इंटरेस्ट देती है, उसके बाद मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट उठाती है और आर्बिट्राज खाती है। आर्बिट्राज जिन्हें पता है उन्हें समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो मोरेटोरियम पीरियड्स 6 महीने का दिया गया था और उसमें जो लोन्स डिफ़ॉल्ट हुए हैं, जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट तो लगा है प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ करने की यहाँ बात चल रही थी, और प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको भी वेव ऑफ करने की बातें चल रही थी। और इस न्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया गया था। कई मजबूर और लाचार जो कि नहीं पे कर पा रहे थे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स, वो याचिका लगाए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये टोटल चल रहा था, जहां पर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे थे कि बैंक्स को प्रॉब्लम हो सकती है अगर इतना बड़ा अमाउंट का अगर हेर बदल हो तो। आगे हम टोटल इसको समझेंगे। होप कर तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोटल ये मामला क्या है, फंडा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ गई है, विलिंग टू वेव ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मॉरेटोरियम सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ गवर्नमेंट सेइंग विलिंग टू बियर कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने उन्होंने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट को, एक नोटरीन बनाकर दे दी है कि अप टू 2 करोड़ तक का जो लोन है उस पर जो भी इंटरेस्ट लगाया हो, कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है उसको वो छूट देने के लिए वो राजी हैं। और अ रेंज ऑफ लोन्स लाइक एजुकेशन, हाउसिंग एंड ऑटो अमोंग, मतलब जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, एजुकेशन लोन्स हैं, हाउसिंग लोन्स हैं, इन लोगों को भी ये फैसिलिटी मिलेगी। तो आगे होना क्या है देखते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रिंगिंग ह्यूज रिलीफ टू इंडिविजुअल एंड एमएसएमई ब्रावर। तो एमएसएमई जो हैं उनको भी, और जो इंडिविजुअल्स जो हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पे मिलने वाली है। सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड वेव इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन अप टू टू करोड़ रुपये पे इंटरेस्ट को वेव करने के लिए तैयार है सेंट्रल गवर्नमेंट। The moves will provide relief to individual borrowers and medium small micro enterprises during the COVID outbreak. तो COVID outbreak के time पे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, MSMEs थे, उनको और individuals से उनको interest rate से ये relief देना चाहती है central government. In an affidavit, the center said it will continue the tradition of hand holding the small borrowers and has waived compounded interest for the periods of the most. तो यहाँ पे कहने चाह रही है एक सेंटर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को, एक एफिडेविट बनाकर दिया, उसमें कहा है कि जिस तरह से ट्रेडिशन चलता आया है हैंड होल्डिंग का, छोटे कर्जदारों, छोटे जो कर्जे लेते हैं उनके उनके लिए, तो वो चाहते हैं कि वेव किया जाए कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है उसको वेव किया जाए। और ये न्यूज़ निकल कर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा अमाउंट है, जैसे कि नीचे मैं आपको अगर दिखाऊं, द सेंटर आल्सो सेड द, ये तो पार्लियामेंट में भी जाएगा आगे वो बता रहे हैं। तो यहाँ नीचे हम देखेंगे एक न्यूज़, ये देखिए, द मिनिस्ट्री आल्सो सेड दैट वेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू एवरी कैटेगरी वुड अमाउंट टू अ बर्डन
रुपीज ऑफ 6 लाख करोड़ फॉर बैंक। देखिए इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा अमाउंट, 6 लाख करोड़ रुपए बैंक्स के लिए, अगर ये सारा बैंक पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? बैंक तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बैंक्स को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो यहाँ पे वही उन्होंने बताया, इफ द बैंक वेयर द बियर इज बर्डन इट वुड, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वाइप आउट हो सकते हैं मेजर पार्ट ऑफ देयर नेटवर्थ। उनका नेटवर्थ इस तरह से इरोड होगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। बड़े से बड़े बैंक की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और शेयर मार्केट में जो जो बैंक लिस्टेड हैं उनका जब नेटवर्थ गिरेगा तो शेयर का प्राइस एकदम से फॉल होगा, एकदम से ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगी, और पता नहीं कितने साल उनको सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये जो बर्डन है सारा हम बैंक्स पर नहीं डालेंगे, सेंट्रल खुद इसे बियर करेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है 5 तारीख को, बट उन्होंने ये कह दिया है कि वो सेंट्रल खुद बियर करेगा और एकदम से बैंक्स के ऊपर वो दबाव नहीं डाल पाएंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अलाउड ब्रोवर टू सेट 6 मंथ मोरेटोरियम, ये वही है 6 मंथ मोरेटोरियम का जो ऑल लोन का मिला था, उसमें RBI ने कहा था कि वो आगे 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन उसमें कई कंडीशंस वगैरह रखी गई थी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर टोटल निकल के आई है, इतना ज़्यादा आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें कोई मतलब नहीं बन रहा, मतलब यही था जो मैंने आपको मेन बता दिया। तो यहाँ पर बैंक्स जो है वो नहीं फेवर में थी कि इसको वेव किया जाए, और रहेंगी भी क्यों, क्योंकि बैंक्स को पता है उनका ख़त्म हो पाएगा। देखिए मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आम जनता को के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक्स को, हमारे इकोनॉमी को, हमारे बाजार को भी देखना है और उसको भी नज़र में रखना है। तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है, मैं सराहनीय करता हूँ मोदी गवर्नमेंट का कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि टोटल ये सेंट्रल पे करेगा, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और द केस वुड बी टेकन अप अगेन ऑन 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को अगेन इस केस बातचीत होगी। तो देखते हैं आगे फिलहाल क्या होता है, इसमें क्या न्यूज़ लेकिन निकल आती है। लेकिन आपको क्या लगता है, इससे शेयर बाज़ार क्या रिएक्ट करेगा? ये जो आज खबर निकल कर आई है, अपकमिंग वीक में जब मंडे को शेयर मार्केट खुलेगा, स्टॉक मार्केट खुलेगा, तो एकदम से क्या रिएक्ट करेगा? मुझे तो लग रहा है एकदम से न्यूट्रल भी हो सकता है, बाकी थोड़ी तेज़ी भी आ सकती है, क्योंकि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वर्ड कहा है कि वो बियर करेगा, वो तो काफ़ी अच्छा है बैंक्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं तेज़ी भी मार्केट में दिखाई दे सकती है, मार्केट में तेज़ी भी बनी रह सकती है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि शेयर से रिलेटेड, या चाहते हो आप कोई शेयर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।